ऐसा अच्छा ख्वाब देख रहा था, खाम उठाया। अब किधर जाता है? अभी हर जगह तुमको बता के जाएगा। हाँ, ये पेंट को गाड़ी में डालो, आता है। आसमान, ये चंद तारे, समंदर, दरिया, ये सारिया दिया सारिया अल्लाह साईं दिया कुदरतां। वालेकुम अस्सलाम। तुसाने याद फरमाया? हाँ दिते, बा ए हन सरफराज अहमद गाजी जिहाद अफगानिस्तान 15 वरे इना अल्लाह साईं दीना विच जिहाद कीता है। तदे ते हुण ए गाजी कुछ दिहाड़े इत्थे साडे कोल रहसी, तू इना दे नाल रहना है, इना को सुनना है, इना को समझना है, ते जे इना दी गाल तेरे पल्ले पए वंजी तो समझ गई नहीं, तेरी राह आसान हो गई। ये हिदायत दा समंदर हन, हुण जिंदा नसीब है जिन्ना फैजियाब हो बंजे। नहीं मौली साहब, नहीं। जिसके रास्ते में ये टांग कुर्बान की है, हिम्मत भी वही देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मौली साहब, मैंने 15 साल मैदान जंग में जहाद लड़ा। जब मैं घर से निकला था तो मेरे बच्चों के लिए खाने की एक वक्त की रोटी भी ना थी। जब लौटा हूं तो गंदम के ढेर थे ढेर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जो लोग निकलते हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। हमने रूसी तहरियों को शिकस्त दी, और अब अमरीकी साम्राज्य की बारी है। नारे तकबीर, उस तक पैगाम पहुंचा हुआ मेरा। उसको बोल हम तुम्हारा हवेली को भी उड़ा देगा, उसका जमरूद का फैक्ट्री भी उड़ा देगा। उसको बोलो हम लोग को 10 लाख रुपया चंदा दे अल्लाह के नाम पर। हमको पता है वो उधर न बिजली का बिल देते न हुकूमत का वाजिबात देते। हम लोग का हुकूमत अगर आ गया इंशाल्लाह
तुम लोग उसका पेट फाड़ कर तमाम वाजिबात निकालेगा, उसको घोड़े भी मारेगा, कल तक चंदा पहुंचाए बेशक गधे पर बैठ कर आ जाए। ठीक शहजादा, कुछ लोग आए तरबियत के लिए। तुम ऐसा करो, उन लोग को उधर पहुंचाओ कैंप, ताकि उन लोग का तरबियत शुरू हो जाए, तुम जाओ। ठीक शहजादा। खानी बाजार में रहमान गुल का मेवा का मार्केट, वो उसको चंदे के लिए बोलो, हमको पता है उसने बहुत माल कमाया है, उसको बोलो कि जात के लिए चंदा दियो, वरना तुम्हारा सारा नमाजों का हिसाब हम लोग कर देगा, उसे जो भी पैसा निकले उधर हम लोग आदमी तक पहुंचाओ, लेकिन ये काम बहुत होशियारी और समझदारी के साथ होना चाहिए, समझ गए तुम हमारे बात? जबरदस्त, तुमने डॉलरों का हिसाब सारा बराबर किया? देखिए, मुझे इस नंबर से पहले भी कई बार फोन आ चुका, बात क्या है, बोलते क्यों नहीं है? शेरजा। हाँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वॉटर से बात बात हो रही है ना? हाँ, बहुत अरसे बात। हम मिल सकते हैं? अब भी मिलना चाहोगे? हाँ, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो। क्या कर गया था? बगैर बुरके के तुम मार गया, और हमारा बात कान खोल कर सुनो, अगर बगैर बुरके के तुम मार गया, तुम्हारे बाहर खड़ा हुआ बगैर बुरके के उसको गोली मारो, और ऊपर से फिर हमारे बेटी बगैर पर्दे के। और बात सुनो, गाना आएगा उधर से मदरसे से, जरूरत नहीं है बाहर जाने का, समझ गया हमारा बात? चलो अभी शक्ल गुम कर अंदर जाओ, चलो। रहमान गुल तुम्हारा नाम है? हाँ, मेरा नाम रहमान गुल खान है। तुम्हारे जान और माल सब अल्लाह के लिए है, मुसलमान होने के नाते तुम पे जात फर्ज है, तुम्हारे माल पर अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का हक है, ताकि वो इस्लाम के दुश्मनों को देस्तो नाबूद कर सके। शूरा के फैसले के मुताबिक जिहाद के लिए 10,00,000 रुपए दे दो, वरना नेताज के जिम्मेदार खुद हो गए। ओ रुको, ओ रुको भाई रुको।
मामा ये अपने खुद लिखा है। ये कैसा सवाल है? जाहिर है आपकी मामा पोएट खुद ही लिखा है। मुझे इसकी समझ नहीं आती। क्या तुम छोटे हो ना? आप बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती? ओके मेरा बच्चा लिखूंगी, खास तौर पे आपके लिए लिखूंगी। ठीक है माँ, पे किसे भिजवा रही है? मुख्तलिफ लोगों को, दोस्तों को। आपको इनके पैसे मिलेंगे? बड़े मनी माइंडेड हो तुम? नहीं, जब आप किसी को कोई चीज भेजते हैं ना तो वो गिफ्ट होती है, उसके पैसे वैसे नहीं मिलते। मैं तो वैसे ही कह रहा था। फोन तो कर। हेलो। हेलो गुलबानो। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और क्या हो रहा है आजकल? वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी किताब पब्लिश होकर आई है, बस वो ही दोस्तों को भेज रही थी। अच्छा यार, ये बताओ कि सवाद के हालात कैसे हैं? हाँ बस हालात वैसे ही हैं जैसे खबरें बता रही, क्या कर सकते हैं, दुआ करो। हाँ यार, हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा बात सुनो गुलबानो, शेरी और फंदी आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो इस तरह कर लो कि तुम भी प्रोग्राम बना लो आने का, बहुत अच्छा चेंज हो जाएगा। और वैसे भी काफ़ी अरसों में मोहतरमा आप आई नहीं इस तरफ। अच्छा वैसे ये दोनों बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। चलो मैं कोई प्लान बनाती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ वैसे मैंने उन दोनों को भी किताब भेज दी है। ठीक है, इस तरह कर लो कि प्रोग्राम बना के मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लूँगी। अच्छा ठीक है, बता दूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद करीब से आना हुआ? एक फैमिली फंक्शन था, मम्मी का इशरात था, एक लड़की दिखानी थी। ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? उनका ख्याल है बच्चा अब जवान हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो फिर देखी लड़की, पसंद आई? कहाँ यार, ऐन वक्त पे उसकी तबीयत खराब हो गई, आई नहीं। किस्मत अच्छी थी उसकी। सही कह रहा है। मतलब सिर्फ खाने पर गुजारा? हाँ कुछ ऐसा ही है। और तू सुना क्या खबर है? मैं कुछ नहीं, स्वाद पोस्टिंग हो गई है, चंद दिनों में मूव कर जाऊँगा। अच्छा पिशावर जाएगा? दो दिनों के लिए जाऊँगा। वहाँ के हालात की सुना? हालात यार बस अजीब से ही हैं, दोस्त दुश्मन का पता नहीं चलता, हम बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी डॉग सर। सबूर पानी लाइएगा। बेहतर सर, थैंक यू। कोई इंटेलेक्चुअल चीज लग रही है, वो भी फौजियों के लिए। ओह ये तो शायरी की बुक है। किसने ये संगीन मजाक किया? ये मेरी कजन की। यकीनन वो तेरा टेस्ट लेना चाहती होगी। नहीं यार अब इतना भी बुरा नहीं हूँ, हाँ उर्दू थोड़ी वीक है लेकिन गुजारा हो जाता है। आज डेट क्या है? आज 22 मार्च। आज इसका बर्थडे। मैं जरा से विश कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज। मामा। अच्छा भाई को कॉल के खाने लग गया है। हेलो गुलबानो, मैं असफंद यार बात कर रहा हूँ, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? किताब मिल गई? हाँ अभी मिली। गुलबानो हैप्पी बर्थडे। हाँ मैं तो भूल गई कि आज मेरी बर्थडे, तुम्हें कैसे याद आया? तुम्हारी बुक पर लिखा हुआ है और मुझे भी याद था। अच्छा पढ़ के जरूर बताना कि मैं कैसी शायरा हूँ। हाँ अच्छा सुनो, पेशावर कब जा रहे हो? बस चंद दिनों में आऊँगा, बाय द वे मेरी पोस्टिंग हो गई है मिंगोरा। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मोहब्बत खान तो खुशी से पागल हो जाएगा ये सुन के कि तुम यहाँ आ रहे हो। उसे मत बताना, उसके लिए सरप्राइज है ये, मैं उसे खुद आकर बताऊँगा। अच्छा चलो सही है, ठीक है चलो मुलाकात होती है फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। बच्चों खाना लग गया है। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा
मेरी जुबान नहीं समझ आ रही। तुम्हारा नाम क्या है? सानम सर है। शीना। शीना खशीना तो मास्टर रजे यूनिवर्सिटी का जबस्ता तस्वीर जोड़ कम और तालो पीसी मदर कम पैसे बदा के आओ बिल्कुल पैसे बदर कम रजा मास्टर के रजा सफर रह गया अभी बहुत है अभी आदत है तुम और गाड़ी रुकवाएगा गाड़ी में तो झटके ही बड़े लगते हैं ये तुम लोगों में करामा शरामत नहीं है शोशा आगे भी सारा रास्ता ऐसे ही है नहीं आगे तो मोटरवे है ओ भाई साहब नाराज क्यों होते हो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था बस वापस जाके तुम बोलो यहाँ मोटरवे बना है ताकि अगली दफा तुम्हारा सफर आराम से गुजरे डालो स्पेंट को गाड़ी में मैं चैनल आइस का रिपोर्टर हूँ बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया कुछ सवालात हैं जो ज़रा सख्त नोयत के हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो वो मैं आपसे पूछ लूँ अगर आपको कोई इतराज़ हो तो वो सवाल बदले भी जा सकते हैं नहीं अगर तुम्हारा दिल दिमाग में ऐसा कोई सवाल है तो तुम पूछना समझते हैं ज़रूरी तो बेशक पूछ लो हमारा कोई एतराज़ नहीं शुक्रिया कमांडर साहब कमांडर साहब कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलों का कोई जवाब नहीं कोई गुंजाइश नहीं आप इस बारे में क्या कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो हम तुमको ये बताया कि हम लोग ख़ुदकश हमला नहीं करते हैं हम लोग अल्लाह के राह में जान देते हैं तुम हम लोगों को फिदायीन बोलो तो ये लफ्ज़ ठीक होएगा इस्लाम में जिहाद किस वक्त होता है जब जुल्म बढ़ जाता है हुकूमत हम लोग के नाम पर अमीर मुल्कों से पैसा लेता है फिर वो पैसा हम लोग के इलाके पे खर्च नहीं होता है इधर गुर्बत है पानी नहीं है रोटी नहीं है बिजली नहीं है किस साल में इधर लोग रहता है वो तुमने मुलाहिज़ा किया है और हुक्मरान हुकूमत के लोग बड़ा बड़ा मोहल्लों में एयर कंडीशन गाड़ियों में एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठा होता है ये सब काफिरों का साथी है काफिर मुल्कों का साथी है इसलिए इन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है
کمانڈر صاحب، تعلیمی مراکز اور سکولوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام میں تو تعلیم فرض کی گئی ہے۔ بے شک اسلام میں تعلیم فرض ہے، مگر کافروں کا تعلیم نہیں، فحاشی کا تعلیم نہیں۔ ہاں اگر دینی تعلیم ہے تو ہم لوگ منع نہیں کرتے۔ کمانڈر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ ہے تو آپ چھپ کر حملہ کیوں کرتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو مارنے کا کیا جواز ہے؟ دیکھو رپورٹر صاحب، جب دشمن طاقتور ہوئے تو پھر جنگ کا طریقہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جب حکومت حملوں کے اوپر راکٹ فائر کرتا ہے تو ہم لوگ کو اطلاع تو نہیں دیتا، وہ بھی تو چھپ کر فائر کرتا ہے نا۔ کمانڈر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے تو بعض لوگ، میرا مطلب ہے کہ آپ نہیں، کچھ برے لوگ ان کی غربت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو غریب کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے بنایا غریب۔ اب اگر وہ اللہ کی راہ میں اپنا عاقبت سنوار رہے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہے؟ غربت سے خودکشی کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں فدائی عملہ کرے۔ کمانڈر صاحب، آپ کے جہاد کے تصور سے ملک کے باقی علماء متفق نہیں ہیں۔ وہ سب حکومت کا تنخواہ دار ہے، حکومت سے تنخواہ لیتا ہے پھر اس کا مطابق بیان دیتا ہے۔ تم ہم لوگوں کو فدائین بولو تو یہ لفظ ٹھیک ہوئے گا۔ اسلام میں جہاد کس وقت ہوتا ہے؟ جب ظلم بڑھ جاتا ہے۔ حکومت ہم لوگ کے نام پر امیر ملکوں سے بابا دیکھیں، پھر وہ پیسہ ٹی وی چینل والے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ دہشت گرد رہتے ہیں۔ ادھر غربت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے، روٹی نہیں ہے، کس سال میں ادھر لوگ رہتا ہے وہ تم نے ملاحظہ کیا ہے؟ اور حکمران، حکومت کے لوگ، بڑا بڑا محلوں میں، بابا یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سا اسلام؟ گاڑیوں میں بیٹا، یہ جو کوئی بھی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سب کافروں کا ساتھی ہے، کافر ملکوں کا ساتھی ہے بیٹا۔ اس لیے اپنا کام کریے، تو بکواس کر رہا ہے۔ جہاد فرض ہے، سکولوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو اسلام میں تو تعلیم فرض ہے۔ کام بھی تو بہت اچھے کیے یار۔ ہاں ویلکم 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 یار، کمال کر دیا تم نے حامد، کمال کر دیا، سارے نیوز چینلز کو پچھاڑ کر دیا۔ بیٹھو نا یار بیٹھو۔ اور تمہیں پتا کہ ریٹنگ میں ہم پہلے نمبر پر آ گئے۔ واہ واہ واہ، ہر طرف تمہارے نام کے چرچے ہیں بھائی، ڈنگے بج رہے ہیں تمہارے۔ لیکن سر، خالی تعریفوں سے کیا ہوگا، آپ کچھ کریں بھی نا۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے فون آ رہے ہیں مجھے آج کل۔ اب ڈونٹ یو وری یار، کیوں نہیں کریں گے، کیوں گھبراتے ہو، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ بتا کہ کھائے گا کیا، کیا منگواؤں؟ کچھ بھی منگوا لے۔ ارے کچھ کیوں، بہت کچھ منگوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، آزمائش ہے۔ جنت کی زندگی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور دنیا جہان کی نعمتیں، سوال نہیں۔ سوال کرے گا تو تمہارے دماغ میں شیطان بیٹھ جائے گا، شیطان کا سر کچل دیو۔ ہمارا بات پر اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنا آنکھیں بند کرو، پھر تم کو روشنی نظر آئے گا۔ بہت ضروری بات ہے حضرت۔ بولو بلال، کیا بات؟ حضرت، مولانا شمس نے پیغام بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ فرماتا ہے کہ کچھ بمبار کا خرید و فروخت۔ وعلیکم السلام۔ کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے اب خودکش بمبار کا خرید و فروخت ہو رہا ہے۔ یہ کیسا بات کی ہے؟ ہم نے بھی اسے یہی کہا، بولتا ہے خودکش بمبار کرائے کا قاتل سے اچھا ہے، کرائے کا قاتل پکڑا جائے تو پولیس کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ بات تو درست فرماتا ہے،
क्या फरमाया कि कितने का अंदाजन क्या कीमत होगा? ये तो अच्छा खासा रकम, लेकिन चलो ठीक है, हमको कबूल है, हम तैयार है उसके लिए। एक बात बोले, एक आदमी का जान का बदले 30-40 आदमी का जान, बहुत नुकसान है। बिलाला, ये जंग है जंग, इसमें नुकसान मुकसान नहीं देखा जाता है। मरता है तो बेशक मरे, मौलाना साहब को पैगाम दियो, हम तैयार। माजी संध्यार आपके खाने की बहुत तारीफ करता है। She is a wonderful, wonderful cook. Hats off. आज हम तुमको भी बहुत अच्छा खाना खिलाएगा बच्चे। जी। बेटे तुम दोनों एक ही जगह पर होते हो? नहीं अंकल, मैं फ्रंटियर कोर में पोस्टेड हूँ। किस जगह पे बच्चे? बाजोड़ एजेंसी। बाजोड़? बेटा बाजोड़ तो हमारा इलाका है, हमारा ताल्लुक वहीं से। ये क्या हो रहा है बेटा, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बेटा पेशावर पहले तो ऐसे कभी भी नहीं था, ये कब हालात सुधरेंगे बेटा? अंकल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है हालात काबू में आ जाएंगे। फ्रंटियर कोर और आर्मी मिलके काम कर रहे हैं। अबू फ्रंटियर कोर की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, बहुत कुर्बानियाँ दी इन्होंने। बेटा अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बंदी भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक। पता है भाई मैं अपनी क्लास छोड़ के आई हूँ यूनिवर्सिटी से। हाँ पता चला कोई बहुत जबरदस्त पेंटिंग पर काम चल रहा है। और अम्मी बता रही थी तुम टैक्स लगाई हुई थी, खुदा का खौफ करो, हालात का पता नहीं तुम्हें? वो आजकल के हालात पे मैं एक सीरीज बना रही हूँ तो इसलिए। फिर भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। जरगुने बच्चे, ये तुम्हारे भाई का दोस्त है कैप्टन तैमूर, सलाम करो बच्चे। और अफंदी भाई ये क्या इतने अरसे बाद आए आप, पता है मैं आपकी शक्ल देखने को तरस गया। बस थोड़ा फंस गया था। तो अभी तो जल्दी नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं अभी नहीं। जरगुने बच्चे जाओ काना माना देखो। बहुत बदल गए। क्या? मैंने कहा बहुत बदल गई हो। मुझे याद नहीं पड़ता हम दोनों एक साथ हों और इतनी खामोशी हो। जब कहने को कुछ हो ही ना तो फिर खामोश रहना ही बेहतर है। बाहर चली गई हो ये तो पता चला था, वापस आ गई हो ये पता नहीं था। 3 साल हो गए, पहले तो मैं सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए गई थी, फिर वापस आना पड़ा। मैं जानती हूँ ऐसे और बहुत से सवाल होंगे जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, है ना? है, मगर कोई कंपल्शन नहीं है। तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं ज्यादा सवाल नहीं करता। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। एनीवेज बताने को कुछ खास नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई, ये कोई खास बात नहीं है? निकाह हुआ था टेलीफोन पे, बाबा के दोस्त के जानने वाले थे। बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा। कोई जाहिल औरत कहती ना तो समझ में भी आती। तुम डॉक्टर हो,
क्यों नहीं दिया तुमने बसाता था? मुझे क्या फर्क पड़ना था, तुम नहीं थे तो दूसरा और कोई भी होता, इसलिए मैंने रेजिस्ट ही नहीं किया। जैसे जैसे वो लोग कहते गए मैं वैसे वैसे करती गई। फिर क्या, रुखसती से पहली तलाक हो गई। बाबा तो जैसे इस बात के बाद तो गिर से गए, वो पहली बार जो अपनी जिद के आगे आ रहे थे, लेकिन इट वाज टू लेट। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। किस मान से बताती, खुद जो तुम्हें छोड़ के गई थी तो वापस कैसे आती? एक बार कोशिश तो करती। की थी कोशिश लेकिन हिम्मत हार गई। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। आज का दिन जश्न का दिन है कि हमारा एक मुजाहिद अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, काफिरों को हलाक करने के लिए जा रहा है। जब तक हमारे इस मुल्क पे हुकूमत कायम नहीं होने जाती, हम तब तक इन काफिरों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। नारा लगाएं आप, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। सोकू, सोक सोकू, वो लड़का जिसको आर पहनाया, सब गले मिल रहा था, क्या होने वाला बाबा? कितना दफा तुमको मना किया कि दीवार पे खड़ा मत हो, फिर तुम दीवार पे खड़ा हो गया। क्या जरूरत है तुमको बाहर देखने का? अभी हम समझ गए, तुम्हारा माँ को फौत हुए 35 दिन गुजर गए, 40 दिन पूरा हो जाए तुम्हारे लिए नया माँ लेकर आएगा ताकि तुम्हारे ऊपर नजर रखे। बाबा हमको उधर भेजो ना, वो जो तुम बोलता है हमारा चाचा है पिशावर में, उसका बेटी भी, हमको उधर भेज दो। वो मलून का फिर चाचा है जिसका बच्चा डॉक्टर है और उसका बेटी थोपा ना उसे बोला हुआ है वो चाचा है। बाबा हम इधर अकेला होते हम मर जाएगा। बकवास मत करो, तुम्हारे को बोला ना हमने तुम्हारे लिए नया माल लेकर आएगा, समझ गए तुम? जाओ रोटी लगाओ।
बहन के पास जाओ, मैंने कहा। खुदा जमीन से